गाइड एंड आई स्टार्टेड माय करियर 1986। और मेरी बस यही तड़प थी कि 9/11 के बाद हालात बहुत ख़राब हुए, टूरिज्म गायब हो गया, लोग डर गए, फिर रही सही कसर जल्जले ने पूरी कर दी। तो बहुत दिल परेशान था कि इतना खूबसूरत मुल्क जहाँ पे चार मौसम है, दुनिया की हर चीज़ उगाई जा सकती है और वहाँ पर टूरिस्ट नहीं है। तो बस फिर मेरी यह तड़प थी कि जब भी मुझे मौका मिला मैं अमन का सफ़र करूँगा। तो पिछले 2-3 साल से ये प्लान बन रहा था कि हम 4-5 दोस्त मिलकर ये सफ़र करें, लेकिन होता यह था कि कभी किसी का कोई रीज़न बन जाता था, कभी किसी का कोई, और मैं हर दफ़ा तैयार था लेकिन मेरा प्रोग्राम रह जाता था। तो लास्ट ईयर आई डिसाइडेड कि एक अमन का जर्नी किया जाए और सोलो भी किया जाए और ये डर खौफ उतारा जाए कि अकेले सफ़र नहीं कर सकते। लोगों में ये खौफ उतरे कि पाकिस्तान पूरा अमन मुल्क है, लोगों में ये खौफ उतरे कि यहाँ पे हम टेररिस्ट हैं। तो उसके लिए जर्नी शुरू किया था एंड ऑलमोस्ट 11 मंथ। तो मकसद यही था कि जैसे कि लोग निकलें, लोग अपने मुल्क में आज़ादी से फिरें, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। और मज़े की बात, मेरे सारे इस जर्नी में आई रिमेंबर वेयर आई पे द मनी। लोगों ने मुझे खिलाया, लोगों ने मुझे पिलाया, लोगों ने मुझे खिलाया, और यही मेरा मकसद था कि हम भाईचारे को फ़रोग दें और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में दिखा सकें। हम बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। और मकसद ये था कि, और दूसरी बात कि जो मैंने बाइक सजाई, बाइक सजाने का मकसद ये था कि मैं पिछले 10 साल से ये कह रहा था कि यार अपने मुल्क से प्यार करो, कूड़ा बाहर ना फेंको, अशारा मत काटो, मोबाइल का चलती मोटरसाइकिल इस्तेमाल ना करो, सुनते थे कुछ लड़ पड़ते थे। बट देन आई डिसाइडेड कि मैं बाइक को इतना सजा दूँ, बाइक को इस तरह के स्लोगन लिख दूँ कि लोग अट्रैक्ट होकर मेरे पास आए, और फिर उसके बाद जो है सीन आगे चले। तो फिर हुआ यही कि जैसे ही मैंने बाइक सजाई तो अब लोग मेरे पास आते हैं, आप कहाँ से आए, तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, आप बाइक कितने की खरीदी है, तो मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। बेसिक मैसेज ये था पास करना कि हम आपस में ट्रीट करें, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएँ, क्योंकि हम तो बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। बम धमाकों ने भी डरा दिया हुआ है, फियर में डाल दिया है कि पता नहीं ये कौन है। हर शख्स बम डाल के जेब में नहीं फिर रहा, तो वो खौफ उतारने के लिए मैं निकला। और सबसे अच्छी बात जो मुझे